अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन उनका दिल उनका मन यहीं तो है। हर रोज वकील मिलने जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनको मिलने जाती है, वो हर रोज रिपोर्ट लेते हैं। आज कुरुक्षेत्र की रिपोर्ट भी लेंगे और ये रिपोर्ट ऐसी जाए कि उनको सुकून मिले कि मेरे सिपाही डटे हुए हैं। देने नहीं आया, क्योंकि आपने मन बना रखा है जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे थे, मन बना रखा है, कोई भाषण से बदलने वाले नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ऐसी सच्चाई की जोत जगेगी कि बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे, भाई साहब देखते रह जाएंगे। क्या हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों पर राज करते हैं अरविंद केजरीवाल, आपके हरियाणा के लाली हैं, हरियाणा से जाके उन्होंने पूरे देश की राजनीति बदल के रख दी। आईआरएस अफसर थे लेकिन अपनी अफसरी को लात मार के देश के हक में, संविधान के पक्ष में खड़े हो गए। आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान खतरे में है, इसको बचाना है। ये लड़ाई संविधान की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आओ इकट्ठे होके झाड़ू से सफाई करें, राजनीतिक गंदगी की सफाई करें झाड़ू से। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतनी शिद्दत से हमें सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और इनको ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे, तो हमें जेल में कर दो, मनीष सिसोदिया जिले जेल में कर दो, संजय सिंह को जेल में दे दो, जो बोलता है उसको जेल में कर दो। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए, हेमंत सोरेन को उठा के जेल में फेंक दिया, ममता बनर्जी के यहाँ पे ईडी की रेड चलती है, तो इनको ये लगता है शायद हम इनको डालेंगे। अरे नेताओं को तो डालोगे, पार्टी को तो डालोगे, 140 करोड़ लोगों को कैसे डराओगे। जिनका देश है, ये जिनका देश है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपने खून देके ये देश हमको लेके दिया है। शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, उन्होंने लड़ाई लड़ी 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, तब हमें ये देश मिला है। ये मालिक नहीं है इस देश के, मालिक इस देश की 140 करोड़ जनता है, वो फैसला करेगी। तो जनता को समय मिलना चाहिए बोलने का, मिलना चाहिए ना। लो अगले 20 सेकंड आपको चीखे मार लो, चाहे नारे लगा लो, भड़ास निकाल लो। था उसका आधार कार्ड भी है, रोशन लाल है, रोशन लाल है, उनका फोन नंबर भी है। तो ये मिल गया, मिल गया, रोशन लाल मिल गया, मिल गया। मानस, मानस गांव से है, ये तो मैं बचा दूंगा। देखो देखो यही फर्क है, बीजेपी वाले आपके बटुए जेब से निकालते हैं, हम आपके बटुए वापस देते हैं। जो बटुआ आपके गुम हो गए भ्रष्टाचारी में, वो हम आपको
ढूंढ के आपको वापस देंगे। यही हमारा पार्टी का हमारा मकसद है। तो दोनों हाथों से एक बार फिर एक बार इंकलाबी दबंग का नारा लगा दीजिए और अरविंद केजरीवाल केजरीवाल तेरी सोच पे, केजरीवाल तेरी सोच पे, बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी।